गिरिडीह में भाजपा नेत्री शाली वैश्य खेर के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों और गिरिडीह के आम नागरिकों के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व शाली वैश्य खेर ने किया। इस यात्रा में 75 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर सभी झंडा मैदान से पथ यात्रा के लिए निकले और शहर के टावर चौक, कचहरी, मकतपुर, कालीबाड़ी, मौलाना आजाद चौक, शिव मोहल्ला, मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक पहुंची। यात्रा में झांकी भी निकाली गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भारत माता के रथ की अगुवाही कर रही थी। सभी ने पूरे यात्रा में जोर शोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा नेत्री शाली वैश्य खेर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव किसी एक का ना होकर सभी भारतवासी का है। इसे हम सभी को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहिए। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय पर्व है, किसी दल का नहीं है, किसी कौम का नहीं है, यह हम सब भारतीय लोगों का है। उत्साह से इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और इसी भावना से ओतप्रोत होकर 75 मीटर लंबे तिरंगे को सभी ने अपने हाथों में लेकर यह यात्रा निकाली। एक आह्वान पर आप सब यहाँ आए, जुटे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर इतनी दूर आप इतने भव्य तिरंगे को लेकर चले, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, सबको अभिवादन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। भारत माता की जय।